हेलो दोस्तों, न्यू एग्जाम चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं परमानंद और आज आप सब के लिए लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक का सिलेबस का पार्ट टू। दोस्तों, पार्ट वन में जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो वीडियो बहुत ही लंबा होने लगा था, जिसके कारण से मैं वो वीडियो को वहीं पर स्टॉप किया था। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लेके चलूँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो फिर से 10 से 15 मिनट जो मैं बताऊंगा उसी में आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलता हूं, देखता हूं कि क्या क्या और टॉपिक इसमें हो सकता है, तो उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो इसी में दोस्तों एक आता है समांतर श्रेणी। जिसको दोस्तों आप एपी के नाम से जानते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़े हुएगा। एक्चुअली में एपी होता क्या है? जैसे दोस्तों 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यदि कुछ 50 तक हो गया। ठीक है दोस्तों, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जैसे आप कमेंट कीजिएगा तो उस अनुसार से फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे कि दोस्तों 2 दिया गया, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया, यानी कि इस प्रकार से लगता है ना कि आगे 10 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से दिया गया। सेम इसी प्रकार से क्या होते जाएगा, आगे संख्या बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि 50 तक लिखा हुआ है। इसका लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है फिर भी क्या है, लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, बाहर में कुछ शोरगुल होने लगा था तो उसके कारण से मैं इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रोक दिया था, फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, 50 तक गया। इसका मतलब क्या है कि ये पहला पद लिखा हुआ, पहला पद है तो इसको पहला पद लिख देंगे, और ये अंतिम में है तो इसको अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, पहला पद को दोस्तों हमेशा ए से सूचित करेंगे, ठीक है, और अंतिम पद को दोस्तों ए एन से सूचित करेंगे। कहीं कहीं टी एन भी दिया गया है, हम ए एन से सूचित करेंगे। अब क्या है दोस्तों, आगे का संख्या कितना दिया हुआ है, 4। एक चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, 2 और 4 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है, उतना ही 6 और 8 के बीच में डिफरेंस। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि सार अंतर सभी जगह क्या है, अंतर जो है वो समान है, तो सार्व अंतर इसी को कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों डी से सूचित करेंगे, डी से सूचित करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी यदि इसको ए वन मानते हैं, इसको ए टू, इसको ए थ्री, इसको ए डॉट डॉट डॉट, इसको ए एन तक माने। ठीक है दोस्तों, तो पहला पद जैसे ए हुआ, दूसरा पद ए टू हुआ, तो डी को किस प्रकार सूचित कर सकते हैं, ए टू माइनस ए वन से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ए फोर माइनस ए थ्री भी कहेंगे तो वही होगा, यदि ए थ्री माइनस ए टू कहेंगे तो फिर भी वही होगा। सब में क्या है, 2 ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो पहला पद यदि किसी का दोस्तों यदि दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, और डी भी दिया गया है तो इसमें बीच में कितनी संख्या है ये हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारा पहला पद कितना दिया गया है, ए दिया गया है 2, और अंतिम पद कितना दिया गया है, 50, और डी कितना दिया गया है,
दो मैंने अभी यहाँ पे निकाला था ना, a2 माइनस a1 यानी कि 4 घटा 2 मैंने किया था, कितना आ गया था, 2 आ गया था। ठीक है, 4 घटा 2 बराबर कितना आ गया था, 2, यानी कि हमारा सार्वांतर कितना है, 2। अब हमको क्या निकालना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, उसको कहते हैं एन। इसके बीच में कितनी संख्या ये हमें मालूम नहीं है, तो वही क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला एक पढ़ते हैं, अंतिम संख्या बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोस्तों हमेशा फॉर्मूला क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे खेल। यदि ए निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, निकालेंगे। यदि डी भी निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यदि एन भी निकालना तो इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला से सारा चीज़ निकालने का कोशिश करूँगा। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। एन दिया गया 50, एन के सामने लिख देंगे 50, बराबर है बराबर लिख देंगे, ए है 2 तो 2 लिख देंगे, जोड़ तो जोड़, एन नहीं मालूम है तो एन जगह एन ए लिख देंगे, -1, और डी कितना दिया गया, 2 तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एन का मान निकालना। अब तो ये सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए, यदि सॉल्यूशन नहीं आता तो आप बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सॉल्यूशन करने के लिए सिखाएंगे। अब 50 में 2 गया तो कितना हो गया, 48, बराबर इधर कितना बच गया, एन माइनस वन 2। अब क्या है दोस्तों, इधर गुना में उस पार्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 48 भागा 2 बराबर कितना हो गया, एन माइनस वन। ये गुना में था, कुछ नहीं रहता, इसका मतलब बीच में गुना। तो अब ये 2 से 24 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 24 प्लस 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 25। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक बीच में कितनी संख्या है, 25 संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। इसमें यदि आपको दोस्तों, यदि डी निकालने के लिए अभी आपको सिखा ही दिया हो, एक किसको कहेंगे पता ही है, और एन क्या होता है वो पता ही है, एन पता ही है, तो यानी कि इसका आपका मेरे ख्याल से आपको समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या करेगा, पूछ देगा क्या कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा, ये से जैसे दिया गया, कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक को जोड़ने पर कितनी आएगा, ये आएगी। ठीक, तो कितना आएगा तो देखते हैं दोस्तों, पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो है एक अलग फॉर्मूला दिया गया, उसको कहेंगे दोस्तों एस एन का फॉर्मूला है, एस एन। इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका दो फॉर्मूला होता है, एन बाई टू इंटू पहला पद जोर अंतिम पद। ये दोस्तों होता है एक फॉर्मूला, एक होता है दोस्तों इसी को डिराइव कर दिया जाता है, ऐसे हम एन बाई टू ए प्लस एन को ही क्या लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखे थे ना एन के ए प्लस, तो वही लिख दिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को दोस्तों क्या किया जाता है, डिराइव करके लिख दिया जाता है, ऐसे हम एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जैसे इसी में निकालना है दोस्तों, इसका सम निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी एन निकाल के बता दिया था, एन टोटल कितना था 25, तो आप लिख दीजिएगा एन की जगह 25 बटा 2 है 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट फॉर्मूला पर लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब पहली संख्या कितना था, पहली संख्या है 2, तो लिख दीजिएगा 2, जोर है जोर लिख दीजिएगा, अंतिम संख्या था 50, तो 50 क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा। और बोडमस का रूल आपको पता है कि जब ब्रैकेट रहेगा तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद किसी और का काम करना। तो 25 बटा 2 ना कितना हो जाएगा, 50 और 2
52 हो जाएगा। तो अब 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 26 बार में कट जाएगा। और अभी आपको गुना आता है तो आप गुना करके क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए 25 के 25 करेंगे 625 और 1 25 हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 26 के 25 से गुना कर दीजिए, 3 650 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा आपको दोस्तों आंसर। ये तो हो गया एपी का कंप्लीट वीडियो। अब इसी में आपको क्या आएगा दोस्तों, इसी में अलग अलग प्रकार का आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, ए स्क्वायर जो 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर दे देगा, तब कहेगा इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा ये सभी फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये फार्मूला होता है दोस्तों। जब स्क्वायर में आपका रहेगा दिया हुआ तो इसके लिए फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। जैसे दोस्तों अब दे दिया गया है, यही फॉर्मूला दे दिया, बोला है 10 का स्क्वायर तक दे दिया गया, ठीक है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक दिया गया, और इसका क्या निकालना है, सम निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने भी पढ़ा है। तो दोस्तों टोटल संख्या कितना है, 10 संख्या है, 1 से 10 तक 10 ही संख्या होगा दोस्तों, तो 10 संख्या हो जाएगा। तो एन की जगह क्या लिख देना है दोस्तों, 10 लिख देंगे, यहाँ कितना जगह 10 जोड़ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 गुना 2 जोड़ 1 बट्टा कितना हो जाएगा 6, 10 गुना 10 जोड़ 1 11, 10 दूनी 20 21 बट्टा 6। अब तो दोस्तों आप आसानी से काट सकते हैं, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 7 बार। अब क्या कीजिएगा आप गुना करिएगा, 7 5 करेंगे 35, गुना कितना हो जाएगा 11, 11 6 5 करेंगे 55, 5 बाकी 5, 11 33 33 5 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 385 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको एपी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे आप वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप 10वीं तक या कंपटीशन में जब भी पढ़िएगा तो इतना तक ही पूछा जाएगा पॉलिटेक्निक में, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, अब 11th में जब आप जाइएगा दोस्तों तो उसमें आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, जीपी कहें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही एचपी कहें तो हरात्मक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा विभाज्यता का नियम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग को पता ही नहीं होता कि विभाज्यता का नियम कैसे जाँच करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे, हम सभी का विभाज्यता का नियम जानेंगे, दो का विभाज्यता का नियम पहले जानेंगे। दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम, आप यदि ये वीडियो देख लिए तो आप आसानी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। पहले दो का विभाज्यता का नियम जानते हैं। दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई स्थान 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो, सिर्फ इकाई स्थान क्या होना चाहिए, ये सभी संख्या में से होना चाहिए, तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब 3 विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या होगा संख्या को जोड़ना है, क्या करना है, संख्या को जोड़ना है, यदि जोड़ने पे जो है 3 के पहाड़ा में आएगा तो वही क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। कितना भी बड़ा संख्या हो लिख लिए, अब इसको देखना है कि 3 के पहाड़ा में आता है क्या, जोड़ने पे 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 3 हो जाएगा 6 6 5 11 11 7 18 18 6 24, ये 24 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग
लग। वही में दोस्तों अब यदि यहाँ पे एक लग गया तो ये तीन से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अब 24 एक 25 हो गया, तो 25 जो है तीन को टेबल में नहीं आता है, तो ये तीन से भाग नहीं लगे। उसी में यदि आपको कहेगा क्या कि कोई यहाँ पे स्टार दे देगा, उसके बाद कहेगा ये स्टार की जगह कौन सी संख्या लिखे कि ये पुनः तीन से भाग लग जाएगा। तो बताइए दोस्तों, यदि ये 25 हुआ था, यदि यहाँ स्टार की जगह यदि हम दो लिख देते, कितना लिख देते हैं दो, जब दो लिख देंगे तब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 तो फिर तीन के पहरा में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टार जगह कितना हो जाएगा तीन, तो क्या हो जाएगा फिर तीन से भाग लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको तीन को विभाजक नियम भी समझ में आ गया, यानी कि संख्या को जोड़ने पर यदि तीन पहरा में आता है तो तीन से भाग लगेगा, यदि तीन के पहरा में नहीं आता तो भाग नहीं लगेगा। अब चार का नियम क्या कहता है दोस्तों, चार का नियम कहता है दोस्तों यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को जब लेंगे तो दहाई तक की संख्या यदि चार से विभाज्य होती है तो वह संख्या चार से विभाजित, कितना भी बड़ा संख्या वो लिख लीजिए, सिर्फ अंतिम में क्या करिए जो चार टेबल में आता है उसको लिख दीजिए, ये संख्या क्या होगा चार से विभाज्य होगा, क्योंकि 32 भाग कितना भी संख्या लिख दीजिए ये चार से कहेगा भाग लेगा। जी हाँ दोस्तों, अंत में कितना दो संख्याओं को सिर्फ लेना, इक्यावन दोनों संख्याओं को सिर्फ लेना है और हमें देखना है कि ये क्या दो से भाग लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दो से भाग लग जाएगा, क्योंकि यह 40 है तो 40 दो से क्या हो जाएगा चार से भाग लग जाएगा। वो इसी प्रकार से किसी प्रकार से संख्या ले लीजिए, कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए 24 ले कहेगा ये चार से भाग लगेगा। जी हाँ दोस्तों, चार से भाग लग जाएगा। आप यदि यकीन हो तो आप भाग दे करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों पाँच का विभाजक नियम। पाँच का विभाजक नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या का इकाई स्थान यदि जीरो हो या पाँच हो, ये दोनों संख्याओं में से कोई भी यदि इकाई का स्थान होता है तो वह पाँच से विभाजित होगा। कितना भी बड़ा संख्या हो अंत में खाली पाँच लिख देना, चार पाँच छः कुछ भी संख्या लिख दीजिए, अंत में पाँच लिख दीजिए या जीरो लिख दीजिए, कहेगा ये पाँच से क्या है विभाजित। ठीक है दोस्तों, दो तीन चार पाँच आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं छः का विभाजक नियम। छः का विभाजक नियम क्या कहता है दोस्तों, वैसी संख्या जो दो से भी विभाजित हो साथ ही साथ तीन से भी विभाजित हो। देखिए अभाज्य इसका गुणनखंड कितना होता है, दो और तीन ही होता है, यानी कि जो संख्या दो से भी विभाजित हो साथ ही साथ किससे विभाजित हो तीन से भी विभाजित हो तो संख्या क्या होगा छः से भी विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए जो दो से विभाजित हो, ये दो से तो विभाजित है, देखते हैं कि क्या तीन से विभाजित है, दो दो चार, चार तीन सात, सात पाँच बारह, बारह चार सोलह, दो से तो विभाजित है लेकिन तीन से विभाजित नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि छः से विभाजित नहीं होगा। अब छः से विभाजित करने के लिए क्या करेगा, यदि कोई यहाँ पे स्टार दे दिया, बोलेगा कि स्टार की जगह कौन सी संख्याएँ लिखे ताकि क्या हो छः से विभाजित हो जाए। तो दो दो कितना हो गया चार, चार तीन सात, सात पाँच बारह, बारह चार सोलह। तो दोस्तों बताइए यहाँ निकट की संख्या कौन है, यदि यहाँ पे दो लिख देते हैं सोलह दो अठारह हो जाएगा, यदि अठारह हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दो के टेबल में भी आएगा और थ्री के टेबल में भी आएगा, और ये दो का विभाजक नियम भी हो गया, इक्का स्थान पर दो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो से भी भाग लग जा रहा है और तीन से भी भाग क्या कर रहा है लग जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगा छः से भी भाग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छः विभाजता का नियम समझ में आ गया होगा। अब जो है दोस्तों सात विभाजता का नियम जानेंगे। सात का विभाजता का नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या कि कोई भी संख्या यदि छः टाइम्स रिपीट एक 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 यदि छः टाइम्स रिपीट है, छः बार रिपीट है, कोई भी संख्या हो यदि छः बार रिपीट है तो क्या हो जाएगा वो सात से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। ये इसका एक रूल है और इसका और कोई रूल नहीं है, और बाकी बात जो संख्याएं हैं उसमें आप सिंपली भाग दे करके ही चेक कर सकते हैं। आठ विभाजता का नियम जानते हैं।
आठ को विभाजता का नियम दोस्तों वही है, यदि कोई संख्या है उसका इक्याईस में भी इक्याई दहाई सैकड़ा तीन संख्या लेंगे, अंत का तीन संख्या में क्या करेंगे आठ से भाग लगाएंगे, यदि अंत के तीन संख्या में आठ से भाग लग जाए तो क्या होगी आठ से विभाजित होगी, तथा साथ ही साथ यदि अंत का कोई भी तीन संख्या शून्य हो तो वो भी क्या होगा आठ से विभाजित होगा। तो आप दो तीन चार पाँच छः कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, सिर्फ अंत का तीन देखना है कि क्या आठ से विभाजित हो रहा, देख लीजिए पाँच छः चार हुआ आठ से आठ सत्ते छप्पन नहीं कटा चार बच गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आठ से विभाजित नहीं हुआ, तो ये भाग इसमें आठ से यही यहाँ पे क्या करते हैं आठ दे देते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों ये विभाजित हो गए आठ बचा तो आठ उतार दिए एक बार लग गए आठ, यानी कि ये आठ से विभाजित है तो आठ से क्या हो जाएगा पूर्णतः भाग लग जाएगा, ये आठ का विभाजता का नियम हो गया। सेम इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों नाइन का, यदि संख्या को जोड़ेंगे जोड़ने पे यदि नाइन के टेबल में आ जाता है इसका मतलब क्या है नाइन से भाग लग जाएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए इसको जोड़ना है जोड़ने के बाद यदि नाइन के टेबल में आ जाता है तो वो नाइन से भाग लग जाएगा, एक दो तीन 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 छः छः पाँच ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह सात बाईस बाईस दो चौबीस, क्या ये चौबीस नाइन के टेबल में आता है नहीं आता है, तो इसमें क्या करेंगे तीन यदि यहाँ पे कोई स्टार दिया गया तो बोलेगा यहाँ पे कौन संख्या लिखें ताकि क्या हो जाए नाइन से भाग लग जाए, यहाँ स्टार जगह कितना लिख देंगे दोस्तों तीन लिखेंगे क्योंकि सत्ताईस हो जाएगा सत्ताईस तो क्या हो जाएगा तीन से भाग लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम हमेशा अंत में स्टार दिए हैं, ये आपका बीच में भी क्या हो सकता है तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा। नौ विभाजता का नियम हो गया, दस विभाजता का नियम कहता है दोस्तों इक्वल स्थान पर कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, यदि आपका इक्वल स्थान पर जीरो है तो क्या हो सकता है आपका दस से भाग लग जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना तक ही रखते हैं, कुछ और थ्योरी बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, यदि हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।